नमस्ते फ्रेंड, मीरा कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे हिलसा फिश बैगन डाल करके। तो हमने यहाँ पे आधा किलो बैगन ले लिया है और यहाँ पे चार पीस हिलसा फिश के हैं और ये वाला सर है, इसको सर के दो पीस कर लिए हैं और अच्छे से इसे धो लिया है। तो सबसे पहले इसमें हल्दी नमक मिला देते हैं हिलसा में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड, तभी आपको पता चलेगा कि हमने कैसे बनाई है हिलसा फिश। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले नमक डाल देते हैं और हल्दी पाउडर। हल्दी नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिश में। फ्रेंड वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि हमने कब क्या डाला है फिश में। तो लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड। हल्दी नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे साइड में रख देते हैं दो तीन मिनट के लिए। बैगन को काट लेते हैं। हमने यहाँ पे गोल वाला बैगन लिया है, आप चाहे तो लंबा वाला बैगन, हरा वाला बैगन जो आपके पास है उसे ले सकते हैं। लंबे लंबे पीस काटेंगे इस तरीके से। दूसरा वाला बैगन भी काट लेते हैं। बिल्कुल अच्छा बैगन है, कच्चा कच्चा, बीज भी नहीं है, तो इसे भी की डंडी हटा देते हैं। ताजी नहीं है, इतनी बूढ़ी बूढ़ी हो गई है, इसलिए डंडी को हटा दिया है। एक बैगन का डंडी रख लिया है, बैगन को अच्छे से काट लिया है, इसे धो लेते हैं। बैगन को अच्छे से धो लिया है, इसमें भी हल्दी नमक मिला देते हैं। हल्दी और नमक अच्छे से बैगन में मिला दिया है। अभी हम गैस जला के तेल गरम कर लेते हैं, साइड में रख देते हैं इसे। तेल गरम हो गया है, अभी फिश को फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ फ्राई हो गई है फिश, अभी इसे पलट देते हैं। ज़्यादा लाल नहीं भूनेंगे, हल्का हल्का भूनेंगे। अच्छे से फ्राई कर लिया है, अभी निकाल लेते हैं इसे एक एक करके। बाकी का भी भून लेते हैं। फ्राई हो गया है सर, निकाल लेते हैं। सारी फिश को फ्राई कर लिया है, अभी बैगन को भी फ्राई कर लेते हैं। बैगन को अच्छे से फ्राई कर लिए लाल लाल करके। जब तक यहाँ पर बैगन फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाले का घोल बना लेते हैं। यहाँ पे एक कटोरी ले ली हमने, इसमें डाल देते हैं एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और एक चम्मच जीरा पाउडर। आधी चम्मच हल्दी पाउडर। पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। जब तक अच्छे से फूल जाएगा, जब तक यहाँ बैगन फ्राई हो रहा है, इसे साइड में रख दें।
बैगन को अच्छे से फ्राई कर लिया है, अभी निकाल लेते हैं एक एक करके। सारे बैगन को निकाल लिया है, अभी हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तेल हमारा सही है, गरम भी है, अभी इसमें डाल देते हैं काला जीरा, कलौंजी, और साथ में चार हरी मिर्च थोड़ा थोड़ा कट लगा लिया है। हरी मिर्च और काला जीरा अच्छे से भून लिया है, अभी एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लेते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लिया है, हमने जो मसाले का घोल बना के रखा था इसे डाल देते हैं। पानी में घोल इसलिए बना के रखा था, मसाले घुल भी जाएंगे और ज़्यादा जलेगी भी नहीं और अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो अच्छे से ऐसे मसाले को भून लेते हैं, सूखे मसाले डालेंगे तो जल सकते हैं, इसलिए हमने घोल बनाया है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से घोल बना कर डालिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। मसाले में नमक डाल देते हैं, एक दो मिनट मसाले को अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए भून लेते हैं। मसाला अच्छे से भून गया है, अभी बैगन को डाल देते हैं, फ्राई किया हुआ बैगन है डाल दिया है, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। हमने बिना प्याज का बनाया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है बस, प्याज नहीं डाली है, आप चाहे तो प्याज को डाल सकते हैं। मसाले के साथ में बैगन को अच्छे से भून लेंगे। बैगन और मसाला अच्छे से भून गया है, अभी इसमें डाल देते हैं पानी। पानी अपनी ग्रेवी के हिसाब से डालिएगा। अभी इसे पका लेते हैं दो तीन मिनट, बैगन वैसे भी पका हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ढक देते हैं तीन मिनट के लिए, और ढक्कन खोल कर देख लेते हैं। बैगन पक गया है, अभी हम फिश को ऐड कर देते हैं, फ्राई की हुई। हरी मिर्च को भी डाल देते हैं, चार हरी मिर्च लिए, थोड़ा थोड़ा जीरा लगाया है, और इसे ढक देते हैं, गैस का फ्लेम को स्लो रखेंगे। सब्जी को चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ी सी बाकी है, अभी थोड़ा सा दो मिनट और पकाएंगे। बिल्कुल थोड़ी सी हरा धनिया डाल देते हैं और गरम मसाला भी डाल देते हैं। अभी बैगन डाल के हिल्सा फिश बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड इस तरीके से आप भी ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी भी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए धन्यवाद। अभी हम इसको बंद कर देते हैं गैस को, दो तीन मिनट इसे ढक कर रख देते हैं स्टैंडिंग टाइम पे। तीन मिनट हो गए हैं फ्रेंड, वाओ देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देख सकते हैं आप। बैगन डाल के हिल्सा फिश बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड, इस तरीके से आप भी बनाइएगा और अपने पूरे फैमिली में एंजॉय करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
बैगन डाल के हिल्सा फिश बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड। इस तरीके से आप भी ट्राई करिएगा। और कैसी लगी हमारी रेसिपी आज की, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे आगे आपके पास पहुंच सके और आप आसानी से वीडियो का मज़ा उठा सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।